हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जर्नी ऑफ कार्निंग। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इस बैकयार्ड गार्डन का एक छोटा सा टूर किया था, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया। थैंक यू। इस वीडियो में आज हम एक इंडोर फॉयलेज प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो चलते हैं अपने उस प्लांट की ओर। ये देखिए, ये है वो प्लांट जिसे हम फिलोडेंड्रम एम्पेरियल रेड के नाम से जानते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे फिलोडेंड्रम प्लांट्स की वैरायटी है, लेकिन मुझे उनमें से ये एक काफी अच्छा प्लांट लगता है। ये एक डेकोरेटिव फॉयलेज प्लांट है, एक अच्छा इंडोर एयर प्यूरिफायर प्लांट है। ये देखिए, इसकी लीव्स जब न्यू ग्रोथ निकलती है, लीव्स की न्यू ग्रोथ निकलती है, तो वो रेड कलर लिए होती है, फिर थोड़ी सी पर्पलिश कलर में चेंज हो जाती है, और लीव मैच्योर होते होते ग्लॉसी, डार्क ग्लॉसी ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है। इसकी लीव की अगर हम बैक की बात करें, तो ये देखिए, ये फॉयलेज देखिए, लाइट येलोइश ग्रीन, एजेस एकदम रेड। ये प्लांट एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट है, जो बेसिकली सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जहां पर फॉरेस्ट में अक्सर बारिश होती रहती है। तो इसके ओरिजिन की बात करते हुए हम देखें, तो ये एक मॉइस्ट लविंग प्लांट है। फ्रेंड्स, इसे जब हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं, अगर हम इसे राइट एनवायरनमेंट दें इसके ओरिजिन की तरह, तो ये एक क्विकली ग्रो प्लांट भी है। ये बहुत जल्दी अप टू 120 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाता है। इस प्लांट की अगर हम लाइट की बात करें, तो इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट ये प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। ये एक मॉइस्ट लविंग प्लांट है, तो आप इसकी लीव्स की मिस्टिंग करेंगे तो ये अच्छा ग्रूम करेगा। लेकिन इसकी वाटरिंग की बात करते हैं, तो आप इसकी दो वाटरिंग के बीच में इतना डिफरेंस रखिए, जब तक इसकी टॉप 2-3 इंच लेयर सॉइल एकदम ड्राई ना हो जाए। बस कॉन्टिन्यूसली डेली इसकी लीव्स की मिस्टिंग करते रहिए। फ्रेंड्स, इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो ये एक वार्म टेम्परेचर लविंग प्लांट है। इसे वार्म टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है। विंटर्स में ये बिलो 12 डिग्री प्लांट थोड़ा सफर करेगा, इसलिए विंटर में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसको ऐसी जगह रखिए जहां इसको वार्मथ मिले। अगर इसके फर्टिलाइजर की हम बात करें, तो स्प्रिंग से लेके समर तक इसको डाइल्यूट फर्टिलाइजर दीजिए, सिर्फ 2-3 बार। उससे ज्यादा इसे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। इसकी लीव्स को अच्छा बनाए रखने के लिए, उनकी ग्रूमिंग एंजॉय करने के लिए, फ्रेंड्स, मिस्टिंग के साथ साथ आप इसकी डस्टिंग भी करते रहिए, जिससे कि इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी अच्छे से होता रहे। डायरेक्ट सनलाइट में फ्रेंड्स इसे ना रखें, जैसा अभी मैंने बताया, डायरेक्ट सनलाइट जैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन मेरा ये प्लांट देखिए डायरेक्ट सनलाइट में रह गया था, ये लीव तब नई निकल रही थी, तो देखिए कैसे डैमेज हो गई है, इसकी एजेस भी बहुत जल्दी से ब्राउन।
विल्ट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और अंडर वाटरिंग के केस में ये प्लांट अपनी लीव्स की एजेस को ब्राउन कर लेता है, एजेस इसकी टिप्स इसकी ब्राउन हो जाएंगी। तो वाटरिंग का आप ध्यान रखिए। ये एक टॉक्सिक प्लांट है, कैल्शियम ऑक्सीलेट कंटेन करता है, इसलिए इसे पैट और चिल्ड्रन से दूर रखिए। एक अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट है, एनवायरनमेंट से नेसेस को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए इंडोर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, मॉनसून के वेदर में इसको इतनी ज़रूरत नहीं थी मिस्टिंग की, लेकिन आप देखिए, आप ड्राई एयर्स चल रही हैं तो आप इसका मिस्टिंग का स्पेशली ध्यान रखिए, मॉइस्ट लविंग प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट आपको कैसा लगा, इसके बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस में हम और नई जानकारी के साथ और नए प्लांट्स के साथ मिलते रहें।